So greetings everyone. I hope everyone is having an admirable day. I have brought another wonderful session with our super achiever Vikas. Vikas has recently got placed at NIMAYU through our platform. As curate is greatly determined for creating the best revenue team for our partner firms. Welcome Vikas. Thank you. और हमारे तरफ से भी क्यूरेट के पूरे टीम को धन्यवाद जो हमको इतना बड़ा मौका मिला जो कि मुझे जॉब सर्च करने में बहुत अच्छा हेल्प किया बहुत स्मूथ प्रोसेस से हमको जॉब मिला दैट्स ग्रेट टू हियर हमें भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा एंड इट इज आवर कांस्टेंट एंडेवर टू प्रोवाइड वैल्यू टू यू ऑलवेज विकास या थैंक यू श्योर श्योर सो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन टेल अस what you are currently doing and what you have done in the past past mein hum yahan pe gt mt aur mt ke channels dekh rahe the to wahan pe humne approximately three startup join kiya hua tha teen startup mein sabse pehle tha mera the moms ko jisme humne 2 year complete kiya 2 years mein humne zero se 22 लाख के टारगेट तक के हमने अचीव किया हुआ था जीरो लेवल से सेकंड वन महक फार्मा हाउस पे भी हमने जीरो से लेके अप्रोक्स 10 लाख के एवरेज तक में हमने ये टारगेट अचीव किया हुआ था दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये काफी इंटरेस्टिंग है सुनने में या थैंक सो आई वाज वंडरिंग हाउ डू यू डिटरमाइन वेदर योर करंट सेल्स टेक्निक्स आर इफेक्टिव और नॉट एक्चुअली कोई भी ब्रांड हो या कोई भी जैसे हमने कॉस्मेटिक में हमने काम किया हुआ स्किन केयर प्रोडक्ट में तो एक्चुअली ये होता है कि आप मार्केट जाने के बाद पता चल पाता है कि आप किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो कैसे करना है ये सब चीज जानकारी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये नॉलेज मार्केट से मिल जाता है exactly. कि अभी जैसे अभी हमने NIMAYU में किया हुआ तो इसका मुझे लगता है कि NIMAYU का स्ट्रेटजी है कि जो 70-80% अप्रोक्स 3 days में बाल मतलब 3 week में बाल टूटना बंद हो जाता तो ये कहीं ना कहीं सबका प्रॉब्लम है बाल टूटना झड़ना तो yes. ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि हम इस पे बहुत अच्छा से स्मूथली काम कर सकें यस एंड ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल इशू है या ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल इशू है हर एक के साथ यूनिवर्सल इशू है Nice. So, what would you do if you or one of your sales representative would not be able to achieve your target? अब क्या करेंगे अगर आप या फिर आपका कोई colleague sales representative अपना target achieve नहीं कर पाएगा? So आपकी क्या strategy रहेगी? आप क्या करेंगे उस time? सर ये होता कि मतलब स्ट्रेटजी होता है कि जैसे कि हर एक ब्रांड के साथ हर एक कंपनी के साथ ऐसा होता है कि एक बार हम लोग यदि टारगेट अचीव करते हैं तो फिर गिरते भी हैं फिर उठते हैं तो होता क्या है कि इसके साथ नया स्ट्रेटजी ये होता है कि आप बंदे को मतलब जो मेरे कलिंग से उसको मोटिवेट रखो और मोटिवेट रखना उसके पास पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स उसका प्रॉब्लम का एक्सक्यूज करना ये सब करने के बाद हम लोग इजिली एक बार यदि टारगेट अचीव नहीं होता तो दूसरे बार ऑटोमेटिक हो जाता है और टारगेट फिक्स किया जाता है ऐसा इन एरिया में जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे अच्छा सेल है वहाँ पे ज्यादा टारगेट पड़ेगा जहाँ पे जैसा कम है तो वहाँ पे कम मतलब ये है तो वहाँ पे कम टारगेट का ये करना पड़ेगा ओके नाइस क्योंकि टीम में जो है ना इक्वालिटी का भावना ये होना चाहिए तो इजीली हो जाता है ये हाँ अगर टीम में इक्वालिटी रहेगी अगर टीम में सबके थॉट प्रोसेस सेम रहेंगे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल देन इट वुड बी वेरी इजी फिर तो बहुत आसान हो जाएगा उसको अचीव करना फिर तो आराम से वो टारगेट अचीव हो सकता है यस यस ग्रेट तो एक्चुअली टीम में ये भी होना चाहिए कि जैसे हमने जितना भी टीम चलाया तो इसमें प्रोफेशनली तो होना ही होना चाहिए अब इसके बाद पर्सनली भी हम लोग ज्यादा ये रखते हैं कि पर्सनली भी प्रॉब्लम पे भी इस पे ये करते हैं तो ये हो जाता है कि एक मतलब ये हो जाता है कि कोई भी होगा तो चलो हमारा मेरा प्रॉब्लम है तो सब जानता है कि मेरा प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक काम खींच जाता है एग्जैक्टली टीम स्पिरिट है ये अगर टीम स्पिरिट अगर कॉर्पोरेट में स्पेशली सेल्स में अगर टीम स्पिरिट आ गया देन कोई भी टारगेट हो वो इजीली पूरा हो जाएगा एग्जैक्टली सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू इंप्रूव ब्रांड प्रेजेंस विद एन असाइंड टेरिटरी आप क्या सजेशन देंगे अपने
ब्रांड प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए किसी स्पेसिफिक असाइंड टेरिटरी में? ब्रांड प्रेजेंस के लिए ये होता है कि आप जैसे हम लोग जो है सो जीटी एमटी आरएमटी स्टोर पे जाते हैं, तो ये एक अच्छा स्टोर माना जाता है। सेम कोई भी एरिया हो तो उसका स्टोर मतलब ये अच्छा ए प्लस काउंटर हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विजिबिलिटी के लिए काम करते हैं, मर्चेंडाइजिंग काम करते हैं, तो ब्रांड प्रेजेंस इससे भी बढ़ता है। इसके बाद मेरा रिलेशन है, आई लेवल प्रोडक्ट लगाना, इससे ब्रांड का प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जैसे कंपनी 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 अपने एंड से जो है कोई भी ऐड करा दे, टीवी ऐड हो गया, इसके बाद बहुत सारा ऐड होता है, वो ऐड करा दे, तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छा मिला, हेल्प मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए किसी कंपनी ने कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट किया हो, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। जैसे हो गया पेपर ऐड हो गया, टीवी ऐड हो गया, इसके बाद जैसे मतलब कहीं कहीं जो है मर्चेंडाइजिंग के लिए जो है कोई शॉप है वहां पे अच्छा सा बड़ा सा एक डेंगला पोस्टर लगवा देना, ये सब बहुत हेल्प करता यस एग्जैक्टली, वो तो है। व्हाट वुड यू डू इफ अ फ्यू कस्टमर्स विद इन योर असाइंड टेरिटरी हैड कंप्लेन अबाउट योर प्रोडक्ट्स? अगर आपके कोई कंज्यूमर्स हैं आपके असाइंड टेरिटरी में एंड वो कंप्लेन करते हैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है उस टाइम? सर। एक्चुअली प्रोडक्ट में यदि दम है तो ये होता है कि यदि प्रोडक्ट 100% यदि सेटिस्फाइड प्रोडक्ट होता है तो बोलेगा नहीं। यदि बोलता यही पे जैसे कंपटीटर है मेरा, तो ठीक कस्टमर बन के वो मेरा निगेटिविटी करेगा जो ये नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो 100 में तो 98% पॉजिटिव है, 2% तो हर एक चीज में निगेटिव आता ही आता है, यस तो उसको हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप ये करो वो करो, तो अलग बात होती है। हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए 2% नहीं तो कम से कम निगेटिविटी आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ये भी। थैंक्स। कभी आपके साथ ऐसा हो चुका है क्या पास्ट में? हाँ ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। जैसे जैसे यदि मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँ, जैसे मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था, मैं दूसरे के साथ काम कर रहा था, जैसे मेरा जो कंपेटेटर था, तो जैसे हम कोई भी स्टोर पे जा रहे हैं, हम 5,000 डिस्प्ले लेके जा रहे हैं, वो 10,000 डिस्प्ले, तो ऑफ कोर्स शॉपकीपर भी बोलेगा 10,000 को पकड़ेगा, मेरा तो पकड़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि हम कम दे रहे हैं। तो मुझे तो फेस वैल्यू, मेरा फेस वैल्यू से तो बोलेगा कि हाँ चलो रख लेते हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं यार निगेटिव फीडबैक है, तो वो भी अपना ये करने के लिए कर सकता है ऐसा। यस पॉसिबिलिटी है उसकी भी। हाँ सो व्हाट यू थिंक अबाउट क्यूरेट? आपको क्यूरेट कैसा लगता है एंड आपको कितना स्मूथ लगा ड्यूरिंग योर जॉब हंटिंग प्रोसेस? एक्चुअली मेरा 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 7 इयर के एक्सपीरियंस में मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि क्यूरेट जो है तो इतना जल्दी प्रोसेस मेरा कुछ ज्यादा मतलब ये नहीं कि बहुत स्मूथली मेरा सब हो गया मतलब, और ज्वाइनिंग के लिए क्योंकि मेरा लास्ट 20 तक ही था कंपनी में, मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन उसने ऑफर भी किया जो 21 तक ये करो, तो ये बहुत अच्छी है। और हर एक एक मतलब किसी के पास आप कॉल करो तो फर्स्ट कॉल में पूरा रिप्लाई और पॉजिटिव ये करता है, तो ये बहुत अच्छा है। मेरा 7 to 8 years के एक्सपीरियंस पे क्यूरेट के लिए बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट टू हियर, बहुत अच्छा लगा सुन के। दैट्स व्हाट वी स्टैंड फॉर। वी हैव अ वंडरफुल टीम हियर असिस्टिंग एवरी कैंडिडेट्स एंड वी आर डिटरमाइंड टू क्रिएट द बेस्ट रेवेन्यू टीम फॉर आवर पार्टनर फर्म्स। सो आप क्यूरेट रेफर करेंगे? या श्योर श्योर 110%। यदि मैं आपसे सेटिस्फाइड हूँ तो श्योर मैं अपने फ्रेंड को भी सेटिस्फाइड करूंगा, जब क्यूरेट में यदि जॉब है तो मैं तुरंत बोलूंगा जो हाँ आप क्यूरेट में। और ऐसे भी कोई यदि वैकेंसी है तो मेरे पास सेल्स का बहुत सारा ये रहता है कि, तो आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं, मैं आपको यदि होगा तो रेफर जरूर करूंगा। दैट्स ग्रेट। एंड कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहेंगे टू एंटायर टीम ऑफ क्यूरेट? मुझे तो कुछ निगेटिव लगा ही नहीं, मुझे तो पॉजिटिव ही लगा, और मैं बहुत खुश हूँ क्यूरेट से भी और नीम आयो से भी, मैं जिस अपॉर्चुनिटी में जा रहा हूँ।
That's great to hear. That's so thumping to hear, because thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद. यू गेव योर वैल्यूबल ओपिनियंस. आपने अपना वैल्यूबल ओपिनियंस दिया. यू हैव गिवन अस ग्रेट इनसाइट्स फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन विद अस. थैंक यू विकास. थैंक यू थैंक यू. विशिंग यू द बेस्ट एंड द वे अहेड. And it is our constant endeavor to provide value to you always. Thank you all team to that. Thank you, Vikas.